श्री राधा कृष्ण मंदिर के सभागार में मसूरी ट्रेडर्स एसोसिएशन के द्विवार्षिक चुनाव संपन्न हुए, जिसमें महामंत्री पद पर जगजीत कुकरेजा और भरत कुमाई के बीच काटे की टक्कर में जगजीत कुकरेजा ने भरत कुमाई को 140 मतों से पराजित कर महामंत्री पद पर अपना कब्जा बरकरार रखा। वहीं कोषाध्यक्ष पद पर नागेंद्र उनियाल और राजेश गोयल के बीच भी कड़ा मुकाबला देखने को मिला, जिसमें नागेंद्र उनियाल ने राजेश गोयल को 207 मतों से पराजित किया। अध्यक्ष पद पर पूर्व में ही रजत अग्रवाल को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया था। मतदान के दौरान फर्जी फोटो को लेकर दोनों पक्षों में गहमा गहमी भी हुई। पुलिस को बीच बचाव कर दोनों पक्षों को शांत करना पड़ा एवं चुनाव अधिकारी को हस्तक्षेप कर चुनाव प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने का आह्वान करना पड़ा। चुनाव में कुल 967 मतदाताओं ने भाग लिया। नवभारत समाचार, मसूरी, उत्तराखंड। भरत सिंह कुमार को मिले हैं 355 और राजीव सिंह कुकरेजा को मिले हैं 495। मतों का फर्क है। इस प्रकार जगजीत कुकरेजा जी को घोषित किया महासचिव। ने एक शाम शहीद के नाम की थी, अब शहीद के परिवार आने थे सुल्तानपुर के पास से, तो वो किसी कारण अस्पताल में जाना पड़ गया, तबीयत बिगड़ने के कारण ना आ पाए। हमें बहुत दुख भरी घटना है हमारे उनके परिवार मंच के एतबार से कि हमारे बीच में शहीद का परिवार ना आ चुका। और ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी ने आज एक शाम शहीदों के नाम के साथ साथ एक गुलदस्ता सजाया है, ये हिंदुस्तान कहीं हिंदू है कहीं मुसलमान है, जब जाके हैं इसी तरीके से जब कहीं गुलाब है कहीं गेंदा है इसी तरीके से ये बना है। और आज हमने ये संदेश दिया है कि इसमें भाईचारा एकता का पैगाम और नफरत को ख़त्म करने का पैगाम। आज हमने कुछ आश्रम से बच्चे बुलाए, कुछ मदरसों से बच्चे बुलाए और उनको हमने सम्मानित किया। कुछ एजुकेशन के बच्चे थे जो सम्मानित किए, कुछ अपाइज बच्चे थे उन्हें सम्मानित किया और मेरे क्षेत्रवासियों ने मेरा बहुत साथ दिया और मैं उनका बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत तहे दिल से शुक्र गुजार हूँ कि राष्ट्रीय मानवाधिकार कमेटी उत्तराखंड प्रदेश के समस्त पदाधिकारियों का के सहयोग से और आप क्षेत्रीय जनता के सहयोग से ये जो आज कार्यक्रम भाईचारे का प्रेम का जो हुआ है मुशायरे कवि सम्मेलन के रूप में, उसके लिए मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, क्षेत्रीय जनता का धन्यवाद करता हूँ, मंच में बैठे हुए जो सब गणमान्य व्यक्ति हैं उनका भी मैं स्वागत भी करता हूँ उनका, और कवि सम्मेलन में आए हुए जितने बाहर के कवि हैं उनका भी स्वागत है सम्मान है। और आगे भी हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे। जैसे कि आपने देखा अभी हमने कुछ गरीब और बेसहारा जो अपाइज जो बच्चे हैं उनको भी प्रोत्साहित किया है और आगे भी इसी प्रकार के काम यहाँ होते रहेंगे, ये हम आपको विश्वास। कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो प्रेम और भाईचारे को बढ़ाना है बिना किसी द्वेष के जो आज वातावरण हो रहा है, क्योंकि मानव ह्यूमन राइट जो कमेटी है वो बिना किसी पक्ष धर्म जाति मजहब की सीमाओं को तोड़ते हुए आगे कार्य कर रही है। इसी दिशा में हम जो कार्यरत हैं और आगे भी कार्यरत। सर आज ये चुनाव में चुनाव थे कि इसमें कितनी मतों से कौन कौन जीता है? आज जो चुनाव थे आपके कितने मतों से कौन कौन निर्वाचित हो गया है? आज के चुनाव हमारे दो मतों पर थे। पिछली बार अग्रवाल को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित घोषित कर दिया गया था और जो जिन दो पदों पर आज चुनाव थे उनमें आज जगजीत कुकरेजा को महासचिव पद पर और नागेंद्र उनियाल को खजांची पद पर निर्वाचित घोषित कर दिया गया। जी अभी बीच में वाद विवाद भी हुआ पुलिस भी आई, क्या कहना है? जब इतना मामला झगड़ा होता है, इतना बड़ा इलेक्शन होता है, कोई छोटी मोटी बातें तो होती रहती है, कोई मन मुटाव नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न। सातवीं बार आप निर्विरोध चुने गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सातवीं बार और 12 साल में तो सफर है व्यापारियों के साथ, ये सिर्फ व्यापारियों की मेहरबानी से मसूरी मजबूत संस्था के रूप में जो हमारी संस्था उभर के आई है, इससे व्यापारियों के विश्वास पर है और हम उम्मीद करते हैं आने वाले समय में विश्वास दिलाते हैं कि 12 साल पूर्ण होने के बाद अगले 2 साल भी व्यापारी हित में काम करेंगे। मेरे साथ मेरे महामंत्री और नागेंद्र उनियाल जी और हमारी पूरी कार्यकारिणी के साथ मिलकर हम व्यापारी हित में कार्य करेंगे, हर हाल में कार्य करेंगे और व्यापारी हित